नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे तो इस लॉक को एल्यूमिनियम के जो डोर होते हैं उनमें यूज किया जाता है, बट दोस्तों आज इस लॉक को हम फ्लश डोर में भी यूज करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें हैंडल भी इनबिल्ड है और इसमें एक लॉक का ये ऑप्शन है, लॉक की का यहाँ पर ऑप्शन है। इसके अलावा ये अंदर की साइड से हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं और आउटसाइड से इसको चाबी से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसको पूरा फिट करने के बाद ये लॉक कुछ इस तरीके से, इसकी ठेसी जो है इस तरीके से निकलती है और ये जो ठेसी है हमको इसको कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ती है ताकि ये अंदर जाके इस तरीके से ये लॉक हो जाए। तो ये जब मैं इंस्टॉल करूँगा तब आपको और बता दूंगा। यहाँ पर वीडियो का कुछ पार्ट आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि लॉक का खांचा गिराने के लिए निशान किस तरीके से करना है, ये सारी बातें अगर मैं यहाँ पर रख दूँगा तो शायद आपको वीडियो बोरिंग लग सकता है। यहाँ पर अब दोस्तों ये जो मैं खांचे को थोड़ा चौड़ा कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अंदर की साइड से ऑपरेट होगा और जो वो ठेसी हम घुमाते हैं उसके लिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राउंड है और उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा इसको चौड़ा करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं इसको चौड़ा कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार वीडियो को अनम्यूट करूँगा ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पर कितना शोर शराबा है। अभी फिलहाल मौसम का यहाँ पर हम आनंद ले रहे हैं और लोग को भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सुन सकते हो कि कितना ज़्यादा जो शोर शराबा है। इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत भाग घर पर शूट किया है। तो हमने जैसे कि आपको समझाया था, बताया था कि इस तरीके से लॉक का खांचा गिराना है, उस तरीके से हमने यहाँ पर खांचा गिरा दिया है और इसको अब इस तरीके से लगाना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लॉक कुछ इस तरीके से फिट होता है और ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। ये अंदर का भाग है, बाथरूम के अंदर की साइड का, और हैंडल भी इसमें इनबिल्ड होता है, अलग से हमको हैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये लॉक स्लाइडिंग के लिए अच्छे लॉक हैं, बट इसको लगाने में थोड़ी आपको लग सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दो चार लॉक लगाएंगे तो आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो हमारा लॉक यहाँ पर फिट हो चुका है, इसको पहले अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि ये लॉक जब लग जाते हैं तो ये जो ठेसी आप देख सकते हो अभी इजीली बाहर निकल रही हैं, कभी कभी ये थोड़ी हार्ड होती हैं, तो ये लॉक अंदर से अगर क्रॉस वगैरह कुछ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो वो ठेसी है वो स्मूथ नहीं चलती हैं, तो इसके लिए हमको पहले चेक कर लेना है। और अब हमने यहाँ पर डोर को इंस्टॉल भी कर दिया है, अब फाइनली हमको वो होल करना है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि क्रॉस होल करना पड़ता है। तो यहाँ पर फेविकोल वगैरह लगा कि आप निशान कर दीजिए कहाँ पर आपका जो लॉक का होल गिराना है वो किस जगह पर गिराना है, उस तरीके से निशान करने के बाद आपको जो मार्क मिलेगा वहाँ पर आप इस तरीके से होल कर सकते हो। और इसको आपको कुछ आप अभी देख सकते हो कि किस तरीके से मैं इसको क्रॉस होल गिराऊंगा, तो इस तरीके से हमको क्रॉस होल गिराना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके भी हैं बट मैं यहाँ पर इस तरीके को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बहुत और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बट मुझे यहाँ पर यह सही लगा, इसके लिए मैंने ये कर दिया। तो चलिए इस पत्ती को हम एक बार चेक कर लेते हैं, जहाँ पर ये अभी लगा रहा हूँ वो यहाँ पर इसके लिए परफेक्ट है या नहीं, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर स्क्रू में फिट कर दूंगा। हम पत्ती को कंसिल भी लगा सकते हैं यानी कि खांच के अंदर भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, बट ये मैं यहाँ पर अंदर ले लूँगा ताकि गैप मुझे सामने से नहीं दिखाई दे। अगर हम इसको खांच के अंदर नहीं लेंगे तो लॉक को ये पत्ती टच हो जाएगी और फिर लॉक और इस जो हमने सागवान की यहाँ पर पट्टी लगाई है उसके बीच में मुझे गैप देखने को मिलेगी, तो उसके लिए मैं इस पत्ती को खांच के अंदर ले लूंगा। तो फाइनली हमने लॉक को फिट कर दिया है, अब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से काम करता है। ये लॉक स्लाइडिंग डोर इस तरीके के स्लाइडिंग डोर में हम लगा सकते हैं जहाँ पर लॉक कहते हैं कि लॉक का कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये ऑप्शन हमारे पास होता है और हम इस तरीके से लॉक ऐसे स्लाइडिंग डोर में लगा सकते हैं।
तो दोस्तों अब जो लोग का खांचा गिराना है वो किस तरीके से गिराना है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से उसका मेजरमेंट निकालना है और कहाँ पर खांचा आने वाला है वो पूरा मैं आपको यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो लोक है वो इस जगह पर आने वाला है। अब आप 39 के ऊपर हम लगाते हैं, यानी कि 39 के ऊपर हैंडल आ जाए इस तरीके से हम लोक को लगाते हैं। अब आप जो भी हाइट पर रखना चाहते हो उस हाइट पर सबसे पहले इसको रख दीजिए। अब ये आप दरवाजे की धार इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सामने से आधा डोरा डिप, क्योंकि हम खाँच के इसको लेवल भी करेंगे तो आधा डोरा जितना डिप करके पीछे एक निशान कर देना है। इस तरीके से निशान करने के बाद आपको यहाँ से 1 इंच एक डोरा, अब 1 इंच एक डोरा मैं क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको भी बता दूंगा। 1 इंच एक डोरा हमको निशान करना है। अब मैंने जो 1 इंच एक डोरा लिया है वो इसका नाप है, ये 1 इंच आधा डोरा है, हमने थोड़ा सा लूज रखा है, 1 इंच एक डोरे का हमने यहाँ पर नाप ले लिया है। तो इस तरीके से हमने ये निशान कर दिया, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर निशान कर दिया है। अब हम सबसे पहले इस निशान को ड्रॉ कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका निशान किस तरीके से करना है। इसके अलावा दोस्तों अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको इसको जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर इसको रख देना है, यानी कि जहाँ पर भी फिट होने वाला है वहाँ पर इसको रख देना है। उसके बाद जो लॉक की साइड की ये वाला चीज़ है इधर आप इस तरीके से एक निशान कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से 7 डोरा एक निशान और करना है। मैं आपको सब बताऊंगा ये 7 डोरा मैं क्यों ले रहा हूँ, बट पहले मैं निशान कर दे रहा हूँ। हमने जहाँ पर हमारी लॉक की लोकेशन है वो हमने यहाँ पर रखी, फिर यहाँ पर निशान किया, फिर 7 डोरा उधर निशान किया और उस 7 डोरा से हमको 6 इंच पर एक निशान और करना है। तो अब हमारा जो लॉक का खांचा है वो यहाँ पर गिरेगा, इसको अभी आप फिलहाल के लिए भूल जाइए। तो ये हमारा लोक का खांचा वहाँ पर गिरेगा, मैं इस लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका खांचा कहाँ पर गिरने वाला है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसका खांचा किस तरीके से गिराना है। तो इसके लिए जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पर ये निशान कर दिया था, तो इसी निशान को हमको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ये कंटिन्यू इस निशान को कर दिया, तो ये जो हमने निशान किया है अब हमारा जो ये लोक यहाँ पर हमको होल करना है सेंटर में, और ये लोक हम होल करेंगे तो ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा। तो अब हमारे पास पूरा का पूरा मेजरमेंट आ चुका है, इसको हमको आधे इंच का यहाँ पर होल गिराना रहेगा। तो हम यहाँ पर आधे इंच का उस हिसाब से यहाँ पर निशान ऐसे कर देंगे, फिर इस होल को भी गिरा देंगे, इसको भी पूरा कटआउट गिरेंगे और इसको भी पूरा वहाँ तक होल करेंगे। तो दोस्तों लोक तो हमने लगा दिया है, अब इसका जो होल गिराना है वो हमको किस तरीके से गिराना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से बाहर निकलता है और इसकी जो ये पत्ती है हमको ये कुछ इस तरीके से फिट करनी रहेगी ताकि जो लॉक हो सके दरवाज़ा, तो इस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। अब हमको ये होल किस तरीके से गिराना है, ये होल थोड़ा इस तरीके से क्रॉस गिराना है, अंदर की साइड डिप की साइड थोड़ा नीचे की साइड इसको गिराना है। हम क्रॉस करके इसको गिरा सकते हैं और फिर थोड़ा सा किसी पतले औजार से हम इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम होल दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो को अच्छे से शूट कर पाऊँ, क्योंकि जहां पर ये वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ वहां पर काफी ज्यादा एजेंसी काम कर रही है, तो वहां पर वीडियो शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसके लिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा आपको ऐसे लगे कि कैमरा ज्यादा हिल रहा है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि Oh,